एवरीवन, आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट के लिए है ये आपके। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सा वाद्य गज से नहीं बजाया जाता, सारंगी, इसराज, सरोद या वायलिन। इनमें से कौन सा वाद्य ऐसा है जिसमें गज से नहीं, जो गज से नहीं बजाया जाता। देखो, आपको पता है नारद जो थे उनके टाइम पे वो क्या बोलते थे कि वाद्य दो प्रकार के होते हैं, तंत्री वाद्य। कौन कौन से होते हैं? एक तत् होते हैं और एक वितत होते हैं। अब ये जो गज से बजते हैं ना, ये वितत माने हैं उन्होंने। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गज से नहीं बजता। तो इसका आंसर क्या है? सरोद जो है वो गज से नहीं बजता है, ठीक है। दूसरा है, इनमें से कौन सा वाद्य वितत वाद्य की श्रेणी में नहीं आता। अभी मैंने आपको बताया वितत वाद्य वो होते थे जो गज से बजाए जाते थे। तो अब आप बताओ कि कौन सा नहीं आता इसमें, सारंगी, इसराज, वायलिन या तानपुरा। कौन सा वाद्य है जो वितत वाद्य की श्रेणी में नहीं आता? श्रेणी में नहीं आता सारंगी है, इसराज है, वायलिन है या फिर तानपुरा है। वितत वाद्य की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? तो आपको पता है तानपुरा नहीं आता, क्योंकि तानपुरे को तो आप हाथ से भी बजा सकते हो और प्लेक्ट्रम यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नारद ने वाद्य के प्रकार कितने बताए हैं? पांच बताए हैं, तीन बताए हैं, चार बताए या सात बताए हैं। देखो, सात तो किसी ने नहीं बताए हैं, चार तो बताए हैं, पाँच भी बताए हैं, तीन किसने बताए हैं? नारद ने वाद्य के प्रकार तीन कितने बताए हैं? पाँच बताए, तीन बताए, चार या सात। इसका आंसर जो है वो है नारद ने तीन बताए। अब कौन कौन से बताए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आनड है एक, एक तत् है और एक घन है। ये तीन प्रकार के वाद्य बताए हैं। किसने बताए हैं? नारद जी ने बताए हैं, आनड, तत् और घन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में वीणा के कितने रूप पाए गए हैं? चार, दो, तीन या कोई नहीं। संगीत में वीणा के रूप कितने माने गए हैं? फोर, टू, थ्री या कोई नहीं। संगीत में वीणा के रूप कितने पाए गए हैं, कितने माने गए हैं, कितने माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा टू, ठीक है। वो टू कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तर भारतीय वीणा और दूसरा है दक्षिण भारतीय वीणा। उत्तर भारतीय वीणा जो होती है उसको क्या बोला जाता है? रुद्र या फिर ब्रह्म वीणा कहा जाता है। जबकि जो दक्षिण भारतीय वीणा होती है उसको क्या बोला जाता है? सरस्वती वीणा। कई बार क्वेश्चन, और इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? नारद के ग्रंथ में। नारद ने बताया इसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में? कि दो प्रकार की वीणा होती है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय जो होती है उसको रुद्र व ब्रह्म वीणा बोलते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय वीणा को सरस्वती वीणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीन के बाज को कितने भागों में बांटा गया है? 14, 16, 18 या फिर 20। बीन के जो बाज होते हैं कितने होते हैं? बीन के बाज को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 14, 16, 18 या फिर 20। बीन का जो बाज होता है उसके कितने ये वैसे क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी हुआ है। आपको सोच के बताना है कि कितने होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं या 20 होते हैं। तो देखो, इसका आंसर जो आएगा, इसके जो बीन के बाज होते हैं वो 18 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। देखो, पहला है अस्थाई वर्ण, दूसरा है अंतरावर्ण, तीसरा है संचारी वर्ण और चौथा है अभोगवर्ण। ये जो चारों आपको दिख रहे हैं ना, अस्थाई वर्ण, अंतरावर्ण, संचारी वर्ण और अभोगवर्ण, ये किस लय में बजाए जाते हैं? विलंबित लय में। जबकि बराबर जोड़ और गमक जोड़ जो आपको दिख रहा है इसमें, ये किस में बजाया जाता है? मध्य लय में। और इन छः को छोड़कर बाकी जो हैं ये सारे किस लय में बजते हैं? द्रुत लय में। अब जैसे क्वेश्चन आपको कई बार दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो बीन का बाज है वो विलंबित लय में बजाया जाता है, द्रुत लय में बजाया जाता है। द्रुत लय में तो सारे बजाए जाते हैं, बराबर का जोड़ और गमक जोड़ जो होता है वो मध्य लय में बजता है, मध्य लय में बजता है। अस्थाई वर्ण, अंतरावर्ण, संचारी वर्ण, अभोगवर्ण, ये वर्ण वर्ण वाले जो हैं ये किस में बसते हैं? विलंबित लय में। भोगवर्ण को छोड़कर बाकी जो चारों हैं ये विलंबित में बसते हैं। और बच्चे बाके भोगवर्ण, इम्पाला, ठोक जाला, कट्टर जाल, लड़ी, लड़गूंठ, लड़ लपेट, परन, सात संगत, धुआ मठ, ये सारे किस में बजाए जाएंगे? द्रुत लय में। बराबर का जोड़ और गमक जोड़ किस में बजेगा? मध्य लय में। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपको, टाइमिंग और उसका राग और उसका समय बताना है कौन सी है। पहली है काफ़ी, दूसरी है बहार, तीसरी है गोरख कल्याण, चौथी है मियाँ मलार। और एक तरफ इसकी टाइमिंग है मध्य रात्रि, रात्रि का द्वितीय प्रहर, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। ऑप्शन है आपके 2341, 1234, 1324 या 2431। इसमें से कौन सा होगा?
राग और आपको उसकी टाइमिंग बतानी है। एक तरफ है काफ़ी बहार, गोरख कल्याण और मियां बलार, और एक तरफ है मध्य रात्रि, रात्रि का द्वितीय प्रहर, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो देखो काफ़ी का तो क्या है, मध्य रात्रि है ना, काफ़ी का क्या है, मध्य रात्रि है। और अगर इसका वादी संवादी देखा जाए तो पंचम और षड़ जाता है। वादी समाधि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई कॉफ़ी जो होती है वो तो पैसे में ही आती है, तो इसको आप उस तरीके से याद कर सकते हो। अगर इसका देखें कि उत्तरांग प्रधान है पूर्वांग प्रधान है, तो ये उत्तरांग प्रधान आता है क्योंकि पंचम है इसका वादी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1, 3, 2, 4। अब देखो मारे पा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मारे पा मागा गा कोमल मारे सा, ये किस राग की पकड़ है आपको बताना है। काफ़ी की है, मियां मल्हार की है, बहार की है, या फिर मालकोंस की है। मालकोंस की तो वैसे ही नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसमें रे तो यूज़ होता ही नहीं है मालकोंस में, तो ये मालकोंस की तो हो नहीं सकती, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मियां मल्हार, ऑप्शन नंबर बी, बी है इसका मियां मल्हार। अब इसका थोड़ा सा मियां मल्हार के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी थाट क्या है, इसकी थाट क्या है काफ़ी, और अगर इसकी प्रकृति जाति पूछी जाए तो क्या आती है, संपूर्ण शाड़प। अगर इसका वादी देखा जाए तो क्या आएगा, सा। संवादी अगर देखा जाए तो क्या आता है, पंचम। गायन समय आप देखो तो मध्य रात्रि। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जितने भी काफ़ी वाले राग हैं, मतलब ज़्यादातर सारे नहीं, उनका ज़्यादातर का टाइम मध्य रात्रि है। और जिसका वैसे तो वादी अगर सा जिसका आ रहा है उसका टाइमिंग ज़्यादातर मध्य रात्रि ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके रचनाकार कौन से आते हैं, तानसेन जी आते हैं, और इसमें दोनों निषाद यूज़ होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोनों निषाद से युक्त राग कौन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग मियां मल्हार जो है उसमें दोनों प्रकार का बहुत्व जो है वो किस स्वर में है। अल्पतव बहुत्व के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, कौन सा है इसमें, माँ पा रे बी वैसी, दोनों प्रकार का बहुत्व जो है वो किस स्वर में है, माँ में है, पा में है, रे पे है, बी वैसी दोनों। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राग व संप्राकृतिक राग का मिलान करो। मियां मल्हार एक तरफ सोनी, एक तरफ रागेश्वरी, एक तरफ कौन सी कन्नड़ा है। एक तरफ इसकी क्या दी है, संप्राकृतिक राग दी हुई है, बहार, हिंडोल, मालगुंजी और मालकोंस। अब आपको इसको मिलान करना है। मियां मल्हार किस थाट की मतलब संप्राकृतिक राग कौन सी है, सोनी की कौन सी है, रागेश्वरी की कौन सी है, और कौन सी कन्नड़ा की कौन सी है। मिलान करना है आपको, संप्राकृतिक राग मिला, राग और संप्राकृतिक रागों का मिलान करना है। मियां मल्हार की क्या आ जाती है, बहार। तो इसका ऑप्शन हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। क्योंकि मियां मल्हार की जो संप्राकृतिक राग है बहार है, सोने की हिंडोल है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी कन्नड़ा का थाट जो है, मतलब क्वेश्चन नहीं है बता रही हूँ इसमें, कौन सी कन्नड़ा का जो थाट है वो काफ़ी है, और रागेश्वरी का खमा आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राग भीम पलासी में वर्जित स्वर कौन से है, रेपा, गधा, रेधा या गनी। राग भीम पलासी में वर्जित स्वर आपको बताने कौन से, भीम पलासी में रेपा, गधा, रेधा या गनी। भीम पलासी का अगर वादी संवादी देखें तो हम मध्यम और षड़ा जाता है, ठीक है। और इसका अगर प्रधान देखें तो पूर्वांग प्रधान है क्योंकि माँ वादी है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेधा जो है वो इसमें वर्जित स्वर है, रेधा इसमें यूज़ नहीं होते हैं। मध्यम इसका वादी मध्यम होता है, संवादी इसका षड्ज होता है। अगर इसका समय हम देखते हैं तो क्या आता है, पूर्वांग प्रधान है। अगर इसकी पकड़ हम देखें तो सानी सामा गामा पागा रेसा, ये इसकी पकड़ है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा इतना याद रखिएगा।